हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिडन ट्रीजर्स। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ 2017 हीरो माएस्ट्रो एज BS4 विद AHO मॉडल का रिव्यू दिखाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ ठाकुर पुकुर बालाजी हीरो को एंड मिस्टर सिद्धा सिंघानिया को मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। चलिए देखते हैं 2017 हीरो माएस्ट्रो एज BS4 विथ AHO मॉडल का रिव्यू। एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ। पहले हम बात करते हैं इसके टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। 12 इंच एंड 10 इंच रिम साइज में स्टाइलिश अलॉय व्हील विथ बॉडी कलर राउंड शेप डिज़ाइन के साथ MRF ट्यूबलेस टायर दिया गया है। इसका फ्रंट टायर 12 इंच 90x90 एंड रियर टायर 10 इंच 90x100 MRF ट्यूबलेस टायर के साथ आता है। चलिए अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन और रियर में यूनिट स्विंग विथ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। इस सस्पेंशन के जरिए आपको स्मूदर राइड मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। इसके फ्रंट ब्रेक एंड रियर ब्रेक में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के जरिए फ्रंट एंड रियर व्हील में बैलेंस एडजस्ट करके ब्रेक पकड़ता है। और अब फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्कूटी, इंजन 110.9 cc एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OAC इंजन इसके अंदर आपको मिलेगा। इंजन का मैक्सिमम पावर 8 BHP एट द रेट 7500 RPM एंड 8.7 Nm एट द रेट 5500 RPM। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल इंजन दिया गया है। ये स्कूटी ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी, वो है सेल्फ स्टार्ट एंड इमोबिलाइजर। इमोबिलाइजर मीन एंटी थेफ सिस्टम। इस स्कूटी के साथ जो मैचिंग की आता है उसके ज़रिए इंजन स्टार्ट होता है, दूसरा कोई भी की से इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इसको बोला जाता है एंटी थेफ सिस्टम और इमोबिलाइजर सिस्टम। और अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो डिजिटल एंड एनालॉग कॉम्बाइंड है। इसमें आपको एनालॉग स्पीडोमीटर एंड डिजिटल ट्रिप मीटर, ऑटोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी, वो है साइड स्टैंड इंडिकेटर। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.5 लीटर्स और इसमें फ्यूल डालने के लिए एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग्स दिया गया है। इसका जो माइलेज क्लेम किया है वो है 65.8 किलोमीटर पर लीटर। अगर आप सिटी पे या फिर हाईवे पे राइडिंग करते हैं तो फिर आपको माइलेज का डिफरेंस पता चल जाएगा। सॉलिड लुक्स के साथ बोल्ड न्यू ग्राफिक्स डिज़ाइन और 2 नए कलर इसमें दिया गया है। इसका जो सीट क्वालिटी है वो बहुत ही स्पेसियस, अच्छी
और स्टाइलिश सीट है। इसका सीट हाइट है 775 mm। सिटी राइडिंग के लिए इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया है वो 155 mm है और इसमें आपको बहुत ही अच्छी राइडिंग कंफर्ट मिलेगा। इसमें 12 वोल्ट के बैटरी के साथ 35 वाट का हैलोजन पायलट हेडलैम्प, 10 वाट का साइड इंडिकेटर लैम्प और LED टेल लैम्प मिलेगा। इसके सीट के नीचे 22 लीटर का स्टोरेज दिया गया है और इसमें स्टोरेज कंपार्टमेंट लैम्प और बूट लैम्प दिया गया है और स्पेशली इसके अंदर मोबाइल चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया गया है। ये स्कूटी बहुत सारी कलर कॉम्बिनेशन वेरिएंट में अवेलेबल है, शूटिंग नाइट स्टार, टेक्नो ब्लू, मैटी वर्नियर ग्रे, मैटी ब्लू, पैंथर ब्लैक, पर्ल सिल्वर व्हाइट, कैंडी ब्लेजिंग रेड, स्पोर्ट्स मैटी ग्रे एंड रेड एंड एक्टिव मैटी ग्रे एंड ब्लू। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। कोलकाता में ड्रम बैक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 53,904 rupees ओनली एंड डुअल टोन कलर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 54,912 rupees ओनली। इसका प्राइस शोरूम वाइज वेरी करता है। ये था 2017 हीरो माइस्ट्रो एज BS4 विथ AHO मॉडल का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।